हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया. वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन. तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टाइटल है साहिब्स हिस्ट्री ऑफ सबवर्जन ऑफ इंडिया फुल फिल्म. ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो मतलब इंडिया में कैसे मतलब तख्तापलट हुआ, कैसे पावर ट्रांसफ़र हुआ, उस पर वीडियो है. ये प्रचयम की वीडियो है. लोगों ने इनकी बहुत तारीफ़ की है. मेरे पास भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि इस वीडियो पे रिएक्ट करिए, तो आई होप अच्छी होगी. और अगर आप ओरिजिनल चैनल का लिंक चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर इनके चैनल को सपोर्ट करिए. मैंने सुना है बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं. ऑल दो मैंने इनकी अभी तक कोई वीडियो देखी नहीं है, आज मैं आपके साथ ही देखूंगी. तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी और इस बारे में हम बात भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो. और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी है तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे ताकि हम इस चीज़ों को एनालाइज भी कर सके क्या मैं. तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो. '70 का दशक, सोवियत संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेजमेनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली. केजीबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो भयावह तरीके ईजाद किए थे, बेजमेनोव ने वो सभी राज दुनिया के सामने खोले. उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्शन. सबवर्शन की बात दुनिया के सामने भले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए हैं. ब्रिटिश साम्राज्य भी उनमें से एक था. इस्लामी लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटिश ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर शासन किया. लुटेरों के इरादे तो समझ आते हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे. जो इतिहास हम सबको बताया गया है ये वो कहानी नहीं है. ये कहानी है भारत के सच्चे इतिहास की, भारत की आइडियोलॉजिकल सबवर्शन की. स्वतंत्रता आखिरकार क्या ये सच था? 200 साल की वो काली रात आखिरकार खत्म हो गई थी? अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए. हमारे चेहरे तो देखने लायक थे. कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े. बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का. सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे. अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र. पर वो बुलावा कभी नहीं आया. बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए. फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा. जिस सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था, कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली. हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे, लाशें गिनने वाला कोई नहीं था. मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सब से बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली. माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया. नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज द सिक्स्थ. हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे. हम गलत थे. कुछ साहब ऐसे भी थे जो कभी गए ही नहीं. बात है आज से 1000 साल पहले की. भारत इस्लामिक लुटेरों से जूझ रहा था. सिंध के इस पार भी अब इस्लामिक तानाशाही थी. पैसे जनता से लूटे जाते थे, पर बड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती थी. लुटेरे तो मुट्ठी भर ही आए थे, पर करोड़ों जाहिलों को कौन संभाले?
आखिर कितने सर काटे जा सकते थे। शेरशाह जैसे अफगानों ने यहीं के लोगों को लेकर शिकदारों की फौज बनाई। हर शिकदार के नीचे सैकड़ों सैनिक। अकबर के समय में ऐसे सैनिक लगभग 44 लाख थे। इनका काम होता था गरीबों की आत्मा में सरकार का डर बनाए रखने का। इन्हीं फौजों में होते थे दरोगा, दरोगा साहिब, जिनके पैरों की आहट से ही भूखी नंगी जनता कांपने लगती थी। अब साहिब शब्द को आप देखें तो साहब किन को कहते थे? ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे पैगंबर बोला जाता है इस्लाम का, उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे जीवित अवस्था में देखा, ऐसा कहा जाता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इसलिए वो साहब थे या सहाबा थे। ये जो शब्दावली थी वो आज भी आप देखें चलती है कि दरोगा साहब के पास चले जाओ, दरख्वास्त लेके जाओ। अब जनता के सामने तीन रास्ते, या तो धर्म बदल कर समझौता कर लो, या जिम्मी बनो, या फिर सर कटवाओ। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर रहते थे। गलती चाहे जो करे, सजाएं सामूहिक रूप से दी जाती थी। साहब सुनते ही जिम्मी वाली फीलिंग आती है कि हम आज भी जिम्मी हैं, साहब ने बुलाया तो झुक के जाना है, उनके आगे सलाम करना है। जिम्मी बनकर रहो तो बेइज्जती सही, पर कम से कम जीने को तो मिलेगा। थोड़ा दबकर जी लेंगे, जिजिया दे देंगे, पर जान तो बच जाएगी। सैकड़ों साल जिम्मा उठाते उठाते साहबों का डर हमारे अंदर घर कर गया, हमारी सभ्यता का आत्मविश्वास टूटता गया, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे निकल गई। राम राज्य जैसे विचार अब जनमानस में बस एक बहुत पुरानी स्मृति भर थे। अब तो बस यही रहता था कि कौन सा लुटेरा जा रहा है और कौन आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में आसानी से बंगाल जीत लिया। अरबों खरबों की संपदा वाले राज्य अनगिनत थे। असली चुनौती थी अपने से कई सौ गुना बड़ी आबादी को काबू में रखना। पर ये जनता अलग थी, डरी हुई थी, और इस्लामी काल के मुलाजिम भी नौकरी खोज रहे थे। The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy. भारत का सामाजिक तंत्र, शिक्षा, धर्म, आदर्श भले ही हमारी सभ्यता की विशेषता थे, पर हर समाज की तरह सैकड़ों सालों की गरीबी और भुखमरी के बाद कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई थी। इन दरारों को भांप कर ब्रिटेन्स की आंखें चमक उठी। The Soviets use the phrase ideological subversion. What do they mean by it? Ideological subversion is the process to change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, and taken away from the supreme purpose of religion to keep people in touch with the supreme being. भारत के समाज से गहरी जड़ थी हिंदू धर्म। इस सबवर्जन प्रोजेक्ट में कंपनी के ऑफिसर्स ने देश के कोने कोने से क्राइम्स और स्थानीय कुरीतियों को खोजकर समूचे भारत में स्वीकृत हिंदू कुरीतियों के रूप में कंपाइल करना शुरू किया। सबसे पुराना हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है वो है मेगास्थनीज का लिखा हुआ, जिसे इंडिका कहते हैं, आज से 2300 वर्ष पहले लिखा था। उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर कैटेगराइजेशन है समाज की, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं वो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जिन्हें वो सोफिस्ट लिखते हैं। लेकिन वो साथ में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखते हैं कि इस समाज में कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन है वो सबसे कठिन है। इस्लामी लुटेरों के काफिर दुश्मन हिंदू अब ईसाई अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। सैकड़ों किताबें लिखी गई, जिन्हें इंडोलॉजी एक्सपर्ट्स आज एट्रोसिटी लिटरेचर बुलाते हैं। सती, देवदासी, ठग और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जैसे मुद्दे इसी प्रोजेक्ट की उपज थे।
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिमिक फेथ में स्त्री की क्या दशा है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम तो एक स्त्री प्रधान समाज थे। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की एक घिनौना शब्द है। ब्राह्मणों का योगदान इस देश की अस्मिता है, इस देश की जो प्रज्ञा है, इस देश में जो वैदिक संस्कृति का जो स्पंदन है, उससे कभी उऋण हो सकता है हिंदू समाज? ब्राह्मण्स आर लाइक द ब्रेन ऑफ हिंदुइज्म। उस ब्रेन को ही मलाइन कर दिया वामपंथियों मलेच्छों ने, और आप होते होने दिया हमने उसको। थोड़ा रुक के जरा देखो तो सही भाई, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, पुराण हमारे, महाभारत, रामायण, ये ज्ञान कैसे बचा? ब्राह्मणों ने बचाया श्रुति के द्वारा। औरंगजेब के लिए कहते हैं एक एक मण जनेऊ रोज उतरवाता था। किसके उतरवाता था? ब्राह्मणों के उतरवाता था। अगर ब्राह्मण इस देश में धर्मांतरण कर लेते तो हिंदू धर्म बचता? राजपूत लड़ पाते? किसके लिए लड़ते राजपूत? लैटिन और अंग्रेजी बोलने वालों ने गूढ़ हिंदू ग्रंथों को गलत सही ट्रांसलेट किया। कंपनी के इन साहबों ने भारतीय सभ्यता को एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे से घुमा घुमा कर देखा, समझने का नाटक किया और मास प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से खूब भ्रांतियां फैलाई। Distract people's attention from the real religious organizations with fake organizations. And it always starts with Ram Mohan Roy as the founding father of this neo-Hinduism. Ram Mohan Roy was an employee of the East India Company. In Calcutta. The allegation is that he started Hinduism with his own hodgepodge, what we call khichdi, a mixture. He started this thing, what today we would say is a muddled up sameness idea. The British had been talking all these things, but now for the first time is a very powerful, eminent, highly regarded, you know, gentleman from India, an elite, selling out. And he converted to the Unitarian Church. I mean, this is the typical sucking up to these guys, you know, I'm so grateful, come and help us, we are not civilized, you please help us out and all that. Prototype brown side. Is subversion me company ko राजा राम मोहन रॉय जैसे कई उत्साही भूरे साहब मिले, जिन्हें आज की तरह ही मान्यता और सम्मान का लालच देकर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। हाल ये था कि 1833 में राजा राम मोहन रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफनाया गया। There are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म और इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री लग रही है ना कि मैं पूरा इन्वॉल्व लग रही थी इसमें। मैं तो मन ही नहीं कर रहा था रोकने का, पर बड़ा हो रहा था, मैंने सोचा कि दो पार्ट में करेंगे। ओह माय गॉड, इतनी आई ओपनिंग, इतना अच्छा। मैं स्टार्टिंग में तो मुझे उतना समझ नहीं आया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं इसमें ना इन्वॉल्व होती गई। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट्री। ओह माय गॉड, और टॉपिक अब समझ में आया है कि द साहिब्स हु नेवर लेफ्ट इंडिया, कि भाई वो तो हमारे ही इतना यहीं के थे, यहीं के रह के उनके तलवे चाट रहे थे वो, तो फिर वो तो फिर इंडिया छोड़ के गए ना, वो तो यहीं रह गए और फिर उनके ही चमचे बन के रहे और उनके तरह ही काम किया आज़ादी के बाद भी अपना कोई, मतलब इतना हमारे हमें जितने भी हमारे जो एंसेस्टर्स से जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते उनको इतना कम, उनको इतना बताया गया कि आपका जो रिलीजन है उतना कमज़ोर है, इतना बेकार है, इतना डीऑर्गेनाइज है, इतना अनसिविलाइज्ड है, कि उन लोगों ने कहा भी तो था कुछ लोगों ने कि भाई इंडिया आज़ाद होने का तो खुद को रूल नहीं कर पाएगा, पर हमने करके दिखाया ना। देर आर स्टिल सम पीपल जिनको अंदर ट्रस्ट था कि नहीं हम कर लेंगे, और हमने किया। बहुत प्रॉब्लम का, बहुत चीज़ों की जान गई, बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बहुत लोगों को रिकॉग्निशन मिला, बहुत लोगों के हम नाम भी नहीं जानते क्योंकि हिस्ट्री ही मॉडिफाई कर दी गई। और उन सब लोगों भी मुझे इतना बुरा लगता, सोचो उन लोगों ने जितनी जान दी कंट्री के लिए, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, मतलब हम कुछ चुनिंदा लोगों के नाम जानते, बाकियों के नाम ही नहीं जानते। ऐसा नहीं कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री इस हद तक मॉडिफाई हो गई ना, इवन जो हमें पढ़ाया जाता है वो हिस्ट्री पूरी है ही नहीं। अब मतलब राजा राम मोहन रॉय के बारे में मुझे इतनी बात नहीं पता था, मुझे इतना पता था कि उन्होंने सती एबॉलिश किया था,
ऐसा कुछ। और जो राजा का टाइटल, अब पता चला कि वो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे इसलिए उन्हें राजा का टाइटल मिला। और ये बात इतनी सरप्राइजिंग थी कि मतलब इस हद तक वो अंग्रेजों के मतलब उसमें ब्रेन वॉश्ड के उसमें आ गए हैं कि उनका मतलब उनके मरने के बाद उनका जो मतलब डेथ सेरेमनी होता है वो क्रिश्चियन पद्धति के हिसाब से, वो ओ माई गॉड दिस इज सच अ डिजास्टर न्यूज़। और मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों को पता, इंक्लूडिंग मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मतलब ओ माई गॉड मतलब। और आपको सोचिए मतलब इन लोगों ने ये बता, आप मुझसे आके कहोगे कि मेरा रिलीजन ख़राब है, मैं क्यों बिलीव करूँगी? तो उसके लिए सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस किया धीरे धीरे कि मतलब पूरे, अब क्या होता है कि देखिए एक रिलीजन के अंदर कमी नहीं होती है, एक वे ऑफ लाइफ होता है। और हमारा रिलीजन तो बहुत एग्रेसिव, मतलब एक बहुत प्रोग्रेसिव रिलीजन, एग्रेसिव बोलिए, बहुत प्रोग्रेसिव रिलीजन है। तो कुछ कुछ रिलीजन में कुछ कुछ कुरुतियाँ होती हैं, वो वहाँ के लोकल्स लोग या कुछ गरीबी या परेशानी की वजह से वो कुरुतियाँ आ जाती है। तो जगह जगह से थिम्बल सिंपल कुरुतियों को ले आना, उसको कंबाइन करके प्रॉपर दिखाना कि ये दीज ऑल आर द एविल्स ऑफ द हिंदू रिलीजन, ऐसा वो सारे एविल्स एक सोसाइटी में फॉर्म। बिकॉज इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स और हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ ना, दैट टाइम तो हिंदुज़म वॉज अ वे ऑफ लाइफ, एवरी वन वॉज लिविंग एंड प्रीचिंग द इन द वे लाइक हिंदूज आर वॉट कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया अर्लियर वर हिंदू बिफोर द इस्लामिक इन्वेजन। वो आके उन्होंने लूटा, हमें जिम्मी बनाया, हमें सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया, मतलब जिसके पास जिनको नहीं कन्वर्ट होना था तो उनको तो मार ही डाला, जिनको कन्वर्ट मतलब जो डर रहे थे थोड़े से, यार मतलब एवरी वन इज़ नॉट डैट ना, कि हम इतना आजाद रहे, हमारे अंदर इतना वो कपट वाली भावना भी नहीं थी कि लोग, हम लोग सीधे सारे थे, ये सारे इतने मतलब इतने भूखे नंगे पावर के लिए मतलब आके हमारे साथ इतना बुरा किया, मतलब कितने सौ साल तक, लाइक इट वॉज़ वेरी इमोशनल, मैं देख रही थी, आई वॉज गेटिंग वेरी इमोशनल कि कितना अत्याचार हुआ, कितनी परेशानी हुई लोगों को 200 साल अंग्रेजों का, उसके पहले मुगल्स, मतलब लोग थक गए होंगे यार मतलब। और जब आज़ादी हुई भी तो उसके बाद भी कितना दिक्कत हुआ, उसके बाद भी हमारे नेताओं ने डिवाइड करने दिया, ये करने दिया वो, कुछ लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को जो भी मतलब बनाना चाहिए, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। ओ माई गॉड पता नहीं, मैं इतना सब कुछ मतलब 10-15 मिनट के देख के, इतना ये ओपनिंग था कंप्लीट देख के, तो बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और सबसे गंदी चीज़ ये लग रही थी कि मतलब उसने एक वो दिखाया था ब्राह्मण्स को, क्या होता है ना कि वो लोग जानते हैं, जैसे मुझे भी अब लग रहा है कि जैसे ब्राह्मण्स जो होते थे, तो जैसे किसी सोसाइटी होती है उसमें एक टॉप एलीट होता है जो उसको मेंटेन, बिकॉज वी नीड अ मैनेज, क्योंकि हम इतने बड़े हैं हमें मैनेज करने का, वी नीड अ मैनेजिंग बॉडी, तो ब्राह्मण्स आर द मैनेजिंग बॉडी। तो जो ब्राह्मण्स थे अगर वही कन्वर्ट होना स्टार्ट कर, तो ऑब्वियसली राजपूत किसके लड़ते, बिकॉज राजपूत भी ब्राह्मण्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके उनके दरबारों में अगर हम पुराने अपने मतलब देखे वेदों में, तो उनके दरबारों में ब्राह्मण्स को बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन, उनसे डिसीजन लेते थे, उनसे एडवाइस लेते थे, मैनेजरियल लेवल के पोस्ट पे, मिनिस्टर्स हाई आई मिनिस्टर्स के पोस्ट पे बैठे रहते थे। और ये मतलब ये आके ना ये कहना कि ब्राह्मण रिच है, ब्राह्मण मतलब ये है, कुछ कुछ कमी सब में होगी, पर आपकी ना आपके नींव को ही खोखला कर देना, आपके पूरे सिस्टम को ही मतलब एकदम उलट पुलट के रख देना। और ये जो बात बताया सवर्जन का, इसमें ये मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब किसी के माइंड को इतना तगड़ा ब्रेन वॉश करना कि चीज़ें उसके सामने फिर भी वो उसको उस तरह से नहीं दिखे, वो उसको दूसरे पर्सपेक्टिव सोचे, वो उस पर्सपेक्टिव सोचे जैसा आप सोचना चाहते हैं। जैसे कि बंदा है, मैंने उसके माइंड को इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उसकी चीज़ें सामने फिर भी उसको नहीं दिख रहा, उसको वही दिख रहा है जो मैं उसको दिखाना चाह रही हूँ। और ये एक दिन का काम नहीं, ये मतलब डिकेड्स में, सेंचुरीज में होता है। और धीरे 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 लोगों के माइंड पे इस तरह, अभी भी कुछ लोग सेकुलर बने फिरते हैं जो अपने कल्चर में वो समझ, देखिए आप भी प्रोग्रेसिव, अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, सब कुछ सही है, बट आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो तब भी मैं मान रही हूँ ठीक है, बट नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर कल्चर। ये सारी चीज़ें मतलब ओ माई गॉड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब इनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, लाइक हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। सो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्ट करूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।